सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। हमारा जो मैच है यहाँ पर लास्ट मैच, जी हाँ, सैनोक का स्टार्ट होता हुआ 19 टीम्स एंड 75 प्लेयर्स हमें इस मैच को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। चलिए, यहाँ पर टीम जो है यहाँ पर जम करने स्टार्ट हो चुकी हैं। स्लॉट में 12 जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कपिल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, कपिल 786, जी हाँ, 0 फिनिशेस के साथ। 4 मैन स्टैंडिंग है जो टीम है वो हमारे पीओवी पर रहने वाली है। देखते हैं जो फाइट्स वगैरह हैं वो हमें कौन से एरिया में किस तरीके से इनिशिएट होती हुई नजर आएगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। बूट कैम्प का जो एरिया यहाँ पर स्लॉट नंबर 11 की जो प्लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्लेयर्स यहाँ पर जम करने स्टार्ट होते हुए डेड पुल्स एक्सी जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जी हाँ, चारों प्लेयर जम कर चुके हैं। और बूट कैम्प के एरिए में 2 टीमें और यहाँ पर हमें एक प्यारी अच्छी एक दमदार फाइट शायद से देखने को मिल सके। एक्टिवा के जो पीटू हैं यहाँ पर बैरल के थ्रू आयरन साइड से कनेक्शन बनाते हुए इटाची को डाउन किया जा चुका है। स्लॉट नंबर 11 भी इसी एरिया में आई है। स्लॉट नंबर 15 भी यहाँ पर, स्लॉट नंबर 11 के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई। स्टार किंग्स मैन एक आखिरी खिलाड़ी स्लॉट नंबर 5 के, देखते हैं वो यहाँ पर क्या कर पाएंगे। फिलहाल के लिए स्टार किंग्स मैन ऊपर की तरफ जाते हुए DBS इनके पास में जरूर से रहेगी और देखते हैं किस तरीके से डाउन करेंगे। प्लेयर्स उनके सामने कनेक्शन बनेगा, प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरा प्लेयर भी डाउन। 1v2 कंप्लीट, 1v3 यहाँ पर कर दिया गया इस खिलाड़ी के द्वारा, स्टार के किंग्स मैन 1v3 करा गया इस प्लेयर के द्वारा। और यहाँ पे क्या फिनिश ऑफ करेंगे, बट सडनली वो यहाँ पर जाते हुए ऑफलाइन, शायद से कुछ इंटरनेट कनेक्शन जो है इस प्लेयर के द्वारा यहाँ पर फेस किया जा रहा है। बट ये काफ़ी गलत हो सकता है इनके साथ, क्योंकि 3 नॉक जो है इस प्लेयर के द्वारा निकाले गए। एंड सडनली अगर वो यहाँ पर हो जाते हैं ऑफलाइन, या फिर उनका शायद से गेम क्रैश जो है वो भी हो सकता है कि हो गया वो, बट अभी देखते हैं। यहाँ पर स्लॉट नंबर 11 के जो प्लेयर्स हैं उनके टीममेट्स यहाँ पर आते हैं अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए, और यहाँ पे जो स्टार के किंग्स मैन हैं उनके लिए काफ़ी बुरी खबर। 3 नॉक उन्होंने निकाले थे बट सडनली वो ऑफलाइन जा चुके हैं। स्लॉट नंबर 11 के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर आते हुए अर्जुन V2 अपने टीममेट्स को रिवाइवल देने के लिए यहाँ पर ज़रूर से जा रहे हैं, और यहाँ पर फीस्ट के थ्रू फिनिश ऑफ करेंगे किंग्स मैन को। और यहाँ पर काफ़ी बुरी खबर, स्लॉट नंबर 11 से आखिरी खिलाड़ी अर्जुन अपने टीममेट्स को रिवाइवल देंगे, और स्लॉट नंबर 11 3 मैन स्टैंडिंग जब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट अभी तक रिवाइवल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, जी हाँ, अर्जुन अभी अपनी लूट कर रहे हैं ना कि रिवाइव दे रहे हैं, जबकि उनको यहाँ पर रिवाइवल जो देना चाहिए। चलिए फाइनली रिवाइवल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर नहीं, अभी भी यहाँ पर रिवाइवल जो प्रोवाइड नहीं किया गया। एंड इसी के साथ स्लॉट नंबर 11 वो हो चुके हैं इस मैच से एलिमिनेट। आखिरी खिलाड़ी अर्जुन जो है वो यहाँ पर बचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही अजीब व गरीब घटना जो है वो यहाँ पर घटित होती हुई नज़र आई है हमें। सत्रह टीमें एंड 62 प्लेयर्स अब इस मैच में हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें स्लॉट नंबर 16 की, यार हर्ष जो है वो हमारे पीओवी पर रहेंगे। चलिए, उनके सामने स्लॉट नंबर 4 जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से फाइट्स वगैरह यहाँ पर ली जाएगी। कैरी के लिए यहाँ पर प्लेयर्स आए हैं कैरी को देखने के लिए। लेट मी चेक, कैरी क्या अभी भी जीवित हैं? जी हाँ, स्लॉट नंबर 15 अभी भी इस मैच में हमें बूट कैम्प के एरिया जो है यहाँ पर होल्ड करती हुई नज़र आएगी। चलिए अभी देखते हैं 17 टीमें एंड 58 प्लेयर्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्लू जोन का जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, एंड कुछ ही टाइम में आपको सेकंड सर्कल का जो शिफ्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्लू जोन स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुका है। टीम्स की देखते हैं फाइट कौन से एरिया में यहाँ पर हो रही है। स्लॉट नंबर 12 DNG के जो रैक्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक्वा के जो किट्टू हैं स्लॉट नंबर 15 से, अभी तक इस टीम के द्वारा किसी भी तरीके का कोई नॉक, कोई फिनिश जो है यहाँ पर निकाला नहीं गया है। प्लेयर्स बूट कैम्प का एरिया जो है यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। चलिए, सर्कल यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है हमें, हाथीना का जो आइलैंड है, कैंप अल्फा का जो एरिया है, वहाँ पर जोन का जो शिफ्ट है देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ द जोन। बट फिलहाल के लिए बोट कैंप में भी जोन देखने को मिल रहा है, रूइंस में भी जोन देखने को मिल रहा है, और देखते हैं प्लेयर्स जो हैं किस तरीके से जोन में जाएंगे। एंड यहाँ पर एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर से किया गया है। गोडल के जो घनश्याम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्लॉट नंबर 18 ने 2 फिनिशर सिक्योर कर लिया, एंड इनके सामने
स्लॉट नंबर 6 से ऐसे अकू जो है नॉकआउट पड़े हैं, उनके टीम में डिसेंट प्रिंस उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर एंड रिवाइवल की उम्मीद जरूर से रहेगी। देखते हैं क्या वो यहाँ पर अपने टीममेट्स को रिवाइवल दे पाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर से रहने वाले हैं यहाँ पर। स्लॉट नंबर 18 से राधे जो है उनको नॉकआउट किया गया है, प्रिंस जो यहाँ पर स्प्रे जरूर से कर रहे हैं। चलिए नियो जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे सामने की तरफ। जी हाँ, स्प्रे जो है वो जरूर से किया जाएगा। नियो वहाँ पे हमें सामने की तरफ देखने को मिल रहा है स्लॉट नंबर 18 से। थ्री मैन स्टैंडिंग है टीम, थ्री फिनिशर्स के साथ हमें पोजिशन जो है यहाँ पर होल्ड करती हुई नजर आएगी। UF के जो प्लेयर हैं यहाँ पर क्रॉन्ड, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्लॉट नंबर 4, वो हमें सामने की तरफ देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। वन एंड ओनली की जो टीम है वो हमें सामने की तरफ देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से स्प्रेस जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। स्लॉट नंबर 4 के प्लेयर वो यहाँ पर रहने वाले हैं और इसी के साथ फॉल बैक करते हुए जो प्लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्लॉट नंबर 4 आगे की तरफ बढ़ती हुई विद 1 kill point 4 मैन स्टैंडिंग ये टीम जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 13 टीमें एंड 44 प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। एंड बात करें स्लॉट नंबर 15 की, हर्षदीप जो यहाँ पर विद 1 kill point हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक कोई फाइट जो यहाँ पर होती भी नज़र नहीं आ रही है हमें। 13 टीमें एंड 44 प्लेयर्स अभी फिलहाल जीवित देखने को मिलेंगे। H2F के जो जैस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पर सर्कल की तरफ जाता हुआ खिलाड़ी जो है हमें जरूर से देखने को मिलेगा। देखते हैं किस तरीके से वो जोन में जाएंगे। फिलहाल ब्लू जोन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, सेकंड जोन का जो शिफ्ट है वो यहाँ पर बनने वाला है और यहाँ पर बन चुका है सेकंड जोन। कैंप अल्फा की तरफ जोन का जो शिफ्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइट दिखाओ ब्रो, फाइट होनी भी तो चाहिए, तभी तो दिखाएंगे आपको। जैसे ही फाइट होगा बिल्कुल से आपको फाइट दिखाई जाएगी, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी स्लॉट नंबर आपको देखना है आप लोग बताइए, आपकी टीम आपको दिखाई जाएगी। H2F के जो जैस हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वन एंड ओनली की टीम के एक प्लेयर नॉकआउट पड़े हैं और जैस लगातार स्प्रे करते हुए, बट यहाँ पर कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आएंगे। H2F के जैस फॉल बैक करते हुए पीछे की तरफ से जोन की तरफ जरूर से जाना चाहेंगे। एंड वहीं वन एंड ओनली की जो टीम है फोर मैन स्टैंडिंग अपने टीममेट्स को यहाँ पर रिवाइवल जो है वो यहाँ पर ये प्लेयर जो है यहाँ पर जरूर से प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। ब्लू जोन का जो श्रिंक है वो यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। कायरो डिश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमें। जी हाँ, प्लेयर जो है फिलहाल के लिए सर्कल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। देखते हैं किस तरीके से फाइट्स वगैरह जो है यहाँ पर ली जाएगी। स्लॉट नंबर 15 प्लीज लेट मी चेक स्लॉट नंबर 15 जो है वो कौन से एरिया में यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्लॉट नंबर 15 विद 1 kill point 4 मैन स्टैंडिंग ये टीम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है एंड प्लेयर जो है जोन की तरफ जरूर से हमें जाते हुए नजर आएंगे। देखते हैं प्लेयर्स किस तरीके से यहाँ पर फाइट लेंगे। फिलहाल के लिए विद 1 kill point 4 मैन स्टैंडिंग स्लॉट नंबर 15 जोन के अंदर आने में जरूर से कामयाब रही है। पानी के थ्रू जो है टीम जोन के अंदर आई है एंड वहीं पर स्लॉट नंबर 9 जो है यहाँ पर ब्रिज पर जो है यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी। प्लेयर्स बाइक का यूज़ करके जोन की तरफ सर्कल की तरफ जरूर से यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। और देखते हैं यहाँ पर एक नॉक जरूर से निकाला गया है स्लॉट नंबर 18 घनश्याम की टीम से, खिलाड़ी नॉकआउट है। उनके टीममेट्स यहाँ पर रिवाइव देने के लिए जरूर से जा रहे हैं बट वन एंड ओनली की जो टीम है क्या वो इतना ईजिली रिवाइवल प्रोवाइड होने देंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर से रहेगा। हर्ष पटेल स्लॉट नंबर 22 दिखाते हैं ब्रो, स्लॉट नंबर 22 जस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं रिवाइवल जो दिया जा रहा है स्लॉट नंबर 18 के प्लेयर्स को। एंड जो वन एंड ओनली की टीम है स्लॉट नंबर 4 के प्लेयर ऑटो चलाते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, काफ़ी फनी लग रहा है यहाँ पर ऑटो चलाना। जी हाँ, और यहाँ पर तीन खिलाड़ी ऑटो में बैठ कर यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। चलिए गाइस, आप लोगों को हमने ऑटो की जो सवारी है वो भी यहाँ पर दिखा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो फाइट है कौन से एरिया में इनिशिएट होगी। फिलहाल सभी टीमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रिट यहाँ पर देखने को मिल रही है, फाइट्स होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। देखते हैं कहाँ पर फाइट होगी, थोड़ा समय ज़रूर से लगेगा। यहाँ पर गोडल के जो घनश्याम है उनके सामने जो टीम है यहाँ पर फाइट हुई है और यहाँ पर प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे स्लॉट नंबर 7 से जो प्लेयर हैं यहाँ पर इल्यूसन। जी हाँ, शोहन वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं शोहन के द्वारा क्या कुछ नॉक्स वगैरह यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे। बूस्टर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं स्लॉट नंबर 18 के प्लेयर, एक शेक के अंदर हमें एक झोपड़ी के अंदर जरूर से देखने को मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर ग्रेनेड क्या वो सही ठिकाने पर जाकर गिरेगा। आई डोंट थिंक सो, उतना डिस्टेंस जो ये ग्रेनेड कवर करेगा, काफ़ी ज़्यादा दूर वो
ग्रेनेड जाता हुआ नजर आया एंड स्लॉट नंबर 18 के जो प्लेयर है वो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर सेफ देखने को मिलेंगे। एक और ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किया जाएगा, स्टील कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आएगा। एक और ग्रेनेड यहाँ पर करते हुए ग्रेनेड की जो बारिश है वो यहाँ पर जरूर से की गई है। स्लॉट नंबर 18 के प्लेयर बिल्कुल से सेफ है यहाँ पर, जी हाँ। और टीम बाइस, चले टीम बाइस की तरफ लेके चलेंगे। जस्ट ये फाइट फिनिश ऑफ देन होने दीजिए गाइस। सेकंड जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थर्ड सर्कल का जो शिफ्ट है वो यहाँ पर बन चुका है। कैंप अल्फा की तरफ का जोन ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ब्लू जोन का डैमेज तो अभी इतना भी नहीं बढ़ा है, अभी थोड़ा यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं टीम्स। बट इसके बाद का जो सर्कल होगा यहाँ पर जोन के बाहर रह पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ पर जो हमारे देखने को मिल रहा है घनश्याम स्लॉट नंबर 18 से गोडल घनश्याम जी हाँ विद 4 फिनिशेस के साथ ये टीम यहाँ पर रहने वाली है। टू मैन स्टैंडिंग टीम देखने को मिलेगी बट फाइनली कनेक्शंस बनेगा और यहाँ पर जो प्लेयर है नियो उनको किया जाएगा टेक डाउन और यहाँ पर जो अनदर प्लेयर है यहाँ पर स्प्रे करेंगे और देखते ही देखते घनश्याम को भी टॉक्सिक के द्वारा टेक डाउन किया जाएगा। टीम घनश्याम स्लॉट नंबर 18 वो हो चुकी है इस मैच से एलिमिनेट एंड अब स्लॉट नंबर 7 फटाफट से जोन की तरफ जरूर से जाना चाहेगी। लेके चलते हैं स्लॉट नंबर 22 की तरफ। स्लॉट नंबर 22 से यशमित जो है विद 1 किल पॉइंट इनकी जो टीम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, दो ही खिलाड़ी बचे हैं। लास्ट मैच काफ़ी शानदार तरीके से चिकन डिनर निकाला गया था 19 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा दिस टूर्नामेंट इज़ ऑर्गेनाइज बाय गणपत यूनिवर्सिटी ISA क्लब। जी हाँ, और बाकी की जो डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। जो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम का वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आप उस पेज को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो दैट जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स वगैरह अगर कुछ होगा यहाँ पर तो आप लोग वहाँ से रजिस्टर कर पाएंगे। जी हाँ, फॉर बीइंग अपडेट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर जो है खिलाड़ी जो है डाउन होते हुए नजर आएंगे, थक के जियान जो है वो नॉकआउट हो चुकी है। वन एंड ओनली के लूसीफर एकमात्र आखिरी खिलाड़ी, बट वो अपने टीममेट से काफ़ी ज़्यादा दूर देखने को मिलेंगे। आखिरी नहीं, दो खिलाड़ी बचे हुए हैं बट जियान जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। फैक्ट्स फॉर यू आए हैं यहाँ पर स्लॉट नंबर 15 को देखने के लिए। लेट मी चेक स्लॉट नंबर 15 क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। स्लॉट नंबर 15 कैरी की जो टीम है विद 4 फिनिशेस के साथ 4 मैन स्टैंडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 11 टीमें 35 प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं अगला सर्कल का जो शिफ्ट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। स्लॉट नंबर 15 एक्वा की 2 की जो टीम है यहाँ पर बूस्टर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। 11 टीमें 35 प्लेयर्स, स्लॉट नंबर 15 स्टिल सर्वाइव करती हुई कनेक्शंस बनेगा। Give me one second guys, just थोड़ा सा लॉगिन इशू हो रहा है यहाँ पर। चले फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारा गेम जो है जस्ट ऑन होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए यहाँ पर अपने। चलिए 11 टीमें 35 प्लेयर्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नहीं हो रहा क्या जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्लॉट नंबर 3 से 4 मैन स्टैंडिंग है टीम जोन के एज पे, ब्लू जोन क्लोज आ चुका है। अब आपको देखने को मिलेगा फोर्थ सर्कल का शिफ्ट। लेट्स सी अगला सर्कल का जो शिफ्ट है वो हमें कौन से एरिया में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। चलिए सर्कल का जो फेवर आया है यहाँ पर हमें स्लॉट नंबर 21 काफ़ी अच्छे एडवांटेज में देखने को मिलेगी। सेंटर ऑफ द जोन इस टीम के पास डेफिनेटली देखने को मिलेगा एंड वहीं स्लॉट नंबर 12 भी जोन के अंदर देखने को मिल रही है। सो दोनों टीमें काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही हैं एंड जो अपकमिंग टीमें हैं यहाँ पर जोन के अंदर आएंगी उनके ऊपर कुछ स्प्रेस कर सकते हैं। बट हर्षदीप जो है नॉकआउट किए गए उनकी टीम से एक आखिरी खिलाड़ी, बट यहाँ पर NBX के मैडमैन आगे बढ़ते हुए DBS लेकर और इसी के साथ क्लच किया जाएगा, फिनिश ऑफ किया जाएगा। मैडमैन के द्वारा 3 किल निकाले गए और एक और टीम का एलिमिनेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। हर्षदीप की टीम आई थिंक सो यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई और टॉप 9 टीम्स जो है अभी इस मैच में बची हुई है। स्लॉट नंबर 10 ने 3 फिनिशेस निकाल ली है, 3 मैन स्टैंडिंग है टीम यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्लॉट नंबर 16 जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है H2F जैस की जो टीम है, चलिए इनको देख लेते हैं। स्लॉट नंबर 16 विद 4 फिनिशेस के साथ 2 मैन स्टैंडिंग ये टीम यहाँ पर रहने वाली है। बूस्टर्स प्लेयर अप्लाई जरूर से कर रहे हैं, यहाँ पर जोन की तरफ जा रहे हैं। एंड वहीं बात करें स्लॉट नंबर 9 की, ये टीम भी जोन के बाहर है। जोन की तरफ जाते हुए प्लेयर ब्लू जोन काफ़ी तेज़ी से क्लोज आता हुआ और देखते हैं अब हमें पाँचवा सर्कल का जो शिफ्ट है वो हमें कौन से एरिए में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा।
टॉप 8 टीम्स एंड 22 प्लेयर्स जब यहाँ पर बचे हुए हैं और देखते हैं अगले फाइट जो है कौन से एरिया में इनिशिएट होगी। राइट हैंड साइड में स्लॉट नंबर 7 एंड 12 जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जी हाँ, और यहाँ पर क्या कनेक्शंस बनेंगे फिलहाल के लिए जी नहीं, एक प्लेयर को नॉकआउट जरूर से किया गया है। स्लॉट नंबर 12 जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्लॉट नंबर 7 टॉक्सिक वाइट जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्मोक जो है वो यहाँ पर करते हुए जी हाँ 9 टीमें और 2 ही खिलाड़ी बचे हुए, 7 फिनिशर्स टॉक्सिक वाइट के पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बूस्टर जो है यहाँ पर फर्स्ट एड अप्लाई करते हुए स्लॉट नंबर 17 वो बॉटम साइड में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर रिवाइवल जो प्रोसेस है वो कर दिया गया स्टार्ट। स्लॉट नंबर 7 2 मैन स्टैंडिंग विद 9 फिनिशर्स जोन के अंदर जरूर से रहने वाले। टॉप 7 टीम्स अब यहाँ पर बची हुई हैं, देखते हैं वो कौन सी टीम रहेगी जो हमें इस मैच में चिकन डिनर ले जाती हुई नजर आएगी। स्लॉट नंबर 21 करेला की जो टीम है यहाँ पर स्पॉट कर दी हुई स्लॉट नंबर 3 के प्लेयर्स को, बट वो रहने वाले हैं कवर में जी हाँ, बिल्कुल से कंपाउंड होल्ड करते हुए नजर आएंगे। स्लॉट नंबर 22 से यशमिस जो है एकमात्र खिलाड़ी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी हाँ, विद 1 kill.1 man स्टैंडिंग है प्लेयर। स्लॉट नंबर 22 से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सर्कल हो चुका है काफ़ी ज़्यादा छोटा एंड कुछ ही टाइम में आपको ब्लू जोन जो है यहाँ पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा। 5वां सर्कल यहाँ पर देखने को मिलेगा जी हाँ, और यहाँ पर इसी के साथ ब्लू जोन हो चुका है स्टार्ट। आउटसाइड ऑफ द जोन जितनी 2 टीमें हमें देखने को मिल रही हैं, अब उनको आना पड़ेगा सर्कल के अंदर जी हाँ। यहाँ पर स्लॉट नंबर 3 की टीम बाय 40 जोन की तरफ जाती हुई नजर आएगी, व्हीकल्स इनके पास है नहीं, ऑप्शन इनके पास है नहीं, तो बाय 40 जोन की तरफ जाना पड़ेगा इनको। चलिए साइको डेज इनके पास 5 फर्स्ट एड है, बट क्या ये जोन के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि ब्लू जोन काफ़ी तेज़ी से आगे जाता हुआ लैसमिस स्पॉट किया, कनेक्शन बनेंगे प्लेयर को डाउन किया जाएगा, और अब डिश जो है यहाँ पर एक प्लेयर को नॉकआउट कर दे, बट उनके टीम में जीत जो है नॉकआउट हो चुके हैं। डिश जो है फर्स्ट एड जरूर से लगा रहे हैं, फर्स्ट एड अप्लाई भी हो जाएगी, बट ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जोन का डैमेज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर उनको ब्लीड करता हुआ नजर आ रहा है, और चलिए फर्स्ट एड स्टिल यहाँ पर अप्लाई की जा रही है, सामने की तरफ प्लेयर्स रहने वाले हैं और फर्स्ट एड लगा लगा कर प्लेयर्स आगे की तरफ जाते हुए जी हाँ, बुरी जो है यहाँ पर 609 उनको कर दिया गया डाउन, और यहाँ पर अब 2 खिलाड़ी स्लॉट नंबर 3 से जी हाँ आई थिंक सो सर्कल के अंदर तो पहुँच जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर स्पॉट किया जाएगा, लैस उनको स्पॉट करके एक शानदार कनेक्शन बनाया गया, प्लेयर को डाउन किया गया, राइट हैंड साइड से कनेक्शन बनेगा और स्लॉट नंबर 9 डाउन करेगी आखिरी खिलाड़ी को, और इसी के साथ एक और टीम यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई। टॉप 6 टीम्स एंड 16 खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए हैं 5 फिनिशर्स के साथ, 4 मैन स्टैंडिंग ये टीम जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर गोजो PX जो है वो कनेक्शंस बनेगा उनके ऊपर 5 फिनिशेस के साथ, 4 मैन स्टैंडिंग ये टीम, इनके 2 खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन, बट क्या रिवाइवल देना यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। INF के जो जोड़ है निंजा जोड़ वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमें, 2 खिलाड़ी बचे हैं, बट अभी निंजा जोड़ एकमात्र खिलाड़ी अपनी टीम से अपनी टीम की कमान संभालते हुए रिवाइवल जरूर से दे रहे हैं, बट क्या वो सर्कल के अंदर है, आई थिंक सो सर्कल के अंदर ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर उनके जो टीममेट्स हैं बुधे हो वो हो चुके हैं फिनिश, और ब्लू जोन यहाँ पर क्लोज आता हुआ, चलिए रिवाइवल दिया था बट जोड़ जो है अगेन नॉकआउट हो चुके हैं, निंजा जोड़ अगेन उनको रिवाइव देना पड़ेगा। टॉप 4 टीम्स देखने को मिल रही है हमें हमारे POV पर, स्लॉट नंबर 17 की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, थ्रोन यहाँ पर कनेक्शन बना रहे हैं ऊपर की तरफ से, और आई थिंक सो स्लॉट नंबर 17 का जो सफ़र है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, कनेक्शन जरूर से बना, एक प्लेयर को फिनिश ऑफ कर दिया। TS लेजेंड एकमात्र आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, देखते हैं क्या थ्रोन को एक एंगल मिलेगा, बट जोन की बात करें तो स्लॉट नंबर 16 काफ़ी अच्छा जोन पकड़कर बैठी हुई है, जोन का एडवांटेज इस टीम के पास देखने को मिल रहा है, एंड बाकी की तीनों टीमें आउटसाइड ऑफ द जोन, सर्कल की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ब्लू जोन होता हुआ स्टार्ट, थ्रोन को किया जाएगा डाउन, यहाँ पर जो स्लॉट नंबर 16 के प्लेयर हैं काफ़ी अच्छी पोजिशन लेकर बैठे हुए हैं, और किसी भी टीम को इतना ईजिली ये प्लेयर जोन के अंदर आने देंगे नहीं। करेला वो भी डाउन होते हुए, एंड इसी के साथ स्लॉट नंबर 21 वो होती हुई इस मैच से एलिमिनेट, टॉप 2 टीम्स यहां पर देखने को मिलेगी। TS के लेजेंड एक आखिरी खिलाड़ी
और यहाँ याद है। पर डोमिनिक जो है हमें देखने को मिलेंगे, स्मोक जरूर से कर रहे हैं। आखिरी खिलाड़ी टीएस लेजेंड को देखते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर डाउन करेंगे स्मोक करते हुए प्लेयर्स, और देखते हैं क्या टीएस लेजेंड को स्मोक स्पॉट करके फिनिश ऑफ करेंगे। 6 किल निकाल लिए गए हैं, 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए हैं और एक आखिरी खिलाड़ी टीएस लेजेंड। 1v2 की सिचुएशन उनके पास ज़रूर से रहेगी और एक चिकन डिनर से बस 2 किल की दूरी पर अगर वो निकाल लेते हैं। फिनिशेस की बात करें, 7 फिनिशेस स्लॉट नंबर 17 के पास एंड 6 फिनिशेस स्लॉट नंबर 16 के पास। चलिए अभी यहाँ पर टीएस के लेजेंड तो आउटसाइड ऑफ द जोन है, फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हैं, बट इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अपनी टीम को यहाँ पर #1 की पोजीशन अगर आप दिलाना चाहते हैं, जोन के अंदर जाना पड़ेगा एंड स्लॉट नंबर 16 को टेक डाउन करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट एड यहाँ पर जरूर से उठाते हैं, बट इसी के साथ टीएस लेजेंड जोन से ब्लीड आउट होकर फिनिश ऑफ होते हुए और स्लॉट नंबर 16 वो हमें ले जाती हुई नजर आएगी। चिकन डिनर विद 6 फिनिशेस। सेकंड पोजिशन पे आरटीएक्स की टीम विद 7 फिनिशेस। #2 #3 पे लहसुन की टीम, थ्रोन की जो टीम है वो देखने को मिलेगी विद 9 फिनिशेस। #4 पे बीएच की टीम देखने को मिलेगी विद 5 फिनिशेस। #5 पे बीडी मॉन्स्टर की टीम विद 10 फिनिशेस। एंड इसी के साथ जो मैचेस थे हमारे ग्रैंड फाइनल के वो यहाँ पर एंड होते हुए, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था गो यहाँ पर गणपत यूनिवर्सिटी आईएसए क्लब के द्वारा। एंड इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से फिर किसी अनदर टूर्नामेंट्स में। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।